देखिए आज दिन सोमवार है और सीएम नीतीश कुमार का जनता दरबार लगता है। जो फरियादी है अपने अपने फरियाद को लेकर आते हैं सीएम नीतीश कुमार से। फरियादी जो हैं आए हैं मिलने, और हम देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि किस तरीके से जो फरियादी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, और कि क्या आप लोग की मांग है और क्यों यहाँ पर पहुँचे हैं, सीएम नीतीश कुमार से क्यों मिलने आए हैं। हमको हमारा बेटा को ऐसे किया सर, हमारा न्याय चाहिए। हमारा बेटा को जो मर्डर कर दिया है। क्या क्या हुआ है आपके बेटा के साथ? बेटा हम बंगाल में खाने कमाने वाला सर थे। अच्छा। बेटा आया बाप को देखने के लिए कि जा रहे देखने, 10-15 दिन रह गया। पढ़वो करता था सर सरकारी में, और काम भी धंधा करता था। बस ले गया, हमारा लड़की दो घर में था, लड़की बीमार है। वो बोलबो किया कि मेरा भाई को कहाँ ले जा रहे हैं रात को, बोले आ रहे हैं घूर घर के हम लोग, और ले जाकर मार दिया। और सवेर में वही बोलता तेरा भाई को मार के फेंक दिए। ये तो बेहोश हो गया, हमको खबर दिया। मेरा बड़ा लड़का बेंगलोर में था, आते आते लहास उठवा दिया बेटा। अच्छा, कौन वो लोग थे? वो लोग सर टोटल 7-8 आदमी थे सर। कौन लोग थे वो लोग? वो लोग मतलब नॉर्मल आदमी है। आसपास के लोग थे? हाँ, आसपास। मेरा गांव का ही 4 आदमी है और 3 आदमी बाहर का है। अच्छा, तो अदर शिकायत थाने में आपने किया? थाने में FIR दूसरे दिन किए थे जब लाश मिला था, तो उसके बाद थाने वाला कुछ भी नहीं किया 10 दिन लगातार। फिर हम थक हार करके SSP साहब से मिले, उसके बाद DIG के पास भी दिए, और एक बार नहीं सर 5-5 बार आवेदन हर जगह दिए हैं, IG साहब के भी पास दिए हैं। उसके बाद फिर हम जनता दरबार में आवेदन जो होता है उनके 2 बार किए हैं ऑलरेडी, एक बार भी अभी डेट नहीं मिला, फिर ये 3री बार आवेदन किए हैं। मतलब 2 बार कर चुके थे आवेदन, 3री बार आए हैं जी। क्या लगता है 3री बार आप लोग की मुलाकात होगी? लगता तो नहीं है, क्योंकि जब 2 बार भी नहीं हुआ तो 3री बार फिर भी हम लोग किए हैं कि शायद मिल जाए एक बार भी मौका। अच्छा, आप पापा हुए? अच्छा, ये बताइए 3री बार आप आए हैं, क्या लगता है न्याय मिलेगी आपको? अब क्या बता सकते हैं सर, न्याय मिलेगी नहीं मिलेगी। हमारा तो बेटा चल ही गया, लेकिन हम चाहते हैं कि उस हत्या करने वाले को करीस सजाएं मिलना चाहिए। चलिए, तो तस्वीरें आप देख सकते हैं जनता दरबार की है। सीएम नीतीश कुमार जो है वो जनता दरबार हर मंडे को लगाते हैं, हर सोमवार को लगाते हैं, और तमाम जो फरियादी अपने अपने फरियाद को लेकर पहुंचते हैं। भागलपुर से आए थे ये लोग, इनका साफ तौर पे कहना था कि हम लोग, मेरी जो बेटा है ये माँ है उनकी, आप माँ हुए ना, ये माँ है, ये भाई हैं और ये पापा हैं, और इनका साफ तौर पे कहना है कि पिछले 2 बार से हम रजिस्ट्रेशन करा के आ चुके हैं यहाँ पर, लेकिन 3री बार पहुँचे हैं, लेकिन अभी तक हमारी जो शिकायत है वो सीएम नीतीश कुमार तक नहीं पहुँचे हैं, हम न मिल पाए हैं। और साफ तौर पे इनका कहना है कि जो हमारे बेटा और भाई को मारा गया है, तो भागलपुर जो पुलिस है वो अभी तक जो शिकायत हुआ दर्ज करके भी अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है।